तो देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। हमारे साथ सुरेश झा आईटीओ दिल्ली से लाइव जुड़ गए, साथ ही साथ केशव झा राजघाट से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। केशव, आपके पास आते हुए तस्वीरें हम देख पा रहे कि जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आप जहां पर है इस वक्त क्या तस्वीरें, जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल रंजना, देखिए इस वक्त मैं राजघाट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं उनके नेतृत्व में एक एकड़ के जितने भी दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सभी यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सभी के हाथ में पोस्टर भी दिख रहा होगा, उसमें आपको दिख रहा होगा साफ तौर से भ्रष्टाचार मिटाना यह संकल्प हमारा है, भ्रष्टाचारी केजरीवाल शर्म करो और दिल्ली के भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। कुछ लोग से बातचीत करेंगे, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमारी सीधी सीधी मांग है, जब आप समन पर पेश नहीं हुए और जब आप कानूनी तौर पर कोर्ट में पेश किए गए और अब जब गिरफ्तार हो गए हो, तो देश के लिए भी शर्मसार दिन है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल गया है। तो मुझे लगता है सबसे पहला टास्क अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, सबसे पहले इस्तीफा दें, कोर्ट जाएं, अपना केस लड़ें, उसके बाद आकर के दोबारा सुचिता से राजनीति शुरू करें, अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बाकी है। आप लोग इस्तीफा मांग रहे, वो कह रहे हैं कि उस जेल से सरकार चलाए। देखिए, अभी बहुत लेटेस्ट केस था झारखंड का, जब हेमंत सोरेन के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, उन्होंने अगले दिन ही इस्तीफा दिया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे ही आप जेल पहुंच गए हैं आपको इस्तीफा देना ही देना है। 6 दिन का ईडी के रिमांड में गए, सारी कथनी कथनी और करनी सब सामने आ वैसे ही चुकी है। तो केजरीवाल जी, आप इस्तीफा दें और जगह खाली करें। देखिए रंजना, कपिल मिश्रा भी सर, आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि केजरीवाल लोहे का बना हुआ है, वो इतना जल्दी टूटेगा नहीं। देखिए, बात ये नहीं है कि वो लोहे के बने हैं, लेकिन वो ऐसा कौन सा लोहा है जो पैसे की तरफ, चुंबक की तरफ नहीं खींचता, पैसे की तरफ खींचता है, दलाली की तरफ खींचता है, कमीशन खोरी की तरफ खींचता है। और इस्तीफा तो हम लेंगे, हमने कहा था केजरीवाल जेल जाएगा, वो जेल गया, हम कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। कुर्सी से चिपक के जेल में बैठ के गिरोह चला करते हैं, जेल में बैठ के सरकारें नहीं चला करती। जरा पूछिए, जिस तरह से आपकी तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला किया जा रहा है, झूठे मुकदमे में जेल में डाला जा रहा है, हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है, ये बार बार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है, इन आरोपों पर क्या कहते नजर आ रहे? जी बिल्कुल रंजना, देखिए मैं पूछने की कोशिश करूंगा, लेकिन साफ तौर से जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ईडी ने सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया है। इस वक्त दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग कह रहे हैं कि ईडी ने सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया, लेकिन सुनीता केजरीवाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनका कहना था कि आप लोग जानबूझकर उनको फंसाए हैं और वो लोहे का बने हुए, इतना जल्दी झुकेंगे नहीं। लोहे के बने तभी तो इतनी मोटी मोटी रिश्वत ले रहे थे, और जब वो रिश्वत ले रहे थे तब तो सुनीता केजरीवाल नहीं बोल रही थी। जब वो 52 करोड़ 75 करोड़ रुपए के आलिशान बंगले पे खर्च कर दे तब तो ये नहीं बोल रही थी। जब वो बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहे थे और उन कसमों का पालन नहीं कर रहे थे कि सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, वो सब भी ले ली, तब तो ये बोली नहीं। आज जब चोरी भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो ये बोल रही हैं। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। से रंजना, आप सुन रहे हैं बिल्कुल बीजेपी का ये हल्ला बोल जारी है केशव, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं। चलिए आईटीओ से जुड़े हुए सुरेश झा, सुरेश कैसी तस्वीरें, जिस जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, बार बार बीजेपी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि झूठे केस में हमारे तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन जारी, जरा तस्वीरें दिखाई किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता? जी बिल्कुल रंजना, मैं आपको हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता अब किस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं। आज जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे उनका यही कहना था कि मोदी, जब जब मोदी डरता है तब तक ईडी को आई करता है, ये स्लोगन है उनका। और मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको पैन करके दिखाएं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जाना चाहते थे उनको रोक दिया गया, तीसरी आई हुई है यहाँ पर, आप देखिए कि और किस तरीके से नेता यहाँ पहुँचे हुए, और इनका कहीं ना कहीं, मैं देखिए आप गतिशी से है, मैं बात आप कराऊंगा बात आपकी कि किस तरीके से गतिशी जी क्या कहेंगे, गतिशी जी क्या, आप देखिए आप देखिए आपकी यहाँ पर जो है
अब बात हालांकि नहीं कर रही है। सबका यही कहना है कि आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है, वो यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मुहिम थी उस मुहिम में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है अब खुद फंस गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है और चुनाव में इसको मुद्दा जरूर बनाया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर लोग आगे बढ़ना चाहते वो आ चुके हैं यहाँ पे उनका वो, लेकिन हालांकि देखिए पुलिस, मैं पीछे कहूँ दिखाएंगे कि आगे पुलिस ने अब जो है यहाँ लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया। अब देखिए अब पुलिस ने यहाँ डिटेन करना शुरू कर दिया है। ये सामने तस्वीर है कि अब जो है यहाँ, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है अब आगे बढ़ना चाहते हैं और पुलिस की व्यवस्था को जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब इन्होंने, अब पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल सुरेश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आप पहुंचा रहे हो और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है केजरीवाल के कथित शराब नीति को लेकर और घोटाले को लेकर, और आपका प्रदर्शन देखिए किस तरह से जोरदार यहाँ पर प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। केशव, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए, तमाम जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार वहां पर हल्ला प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए रंजना, यहाँ पर तस्वीरें शांतिपूर्वक जो बीजेपी के गए नेता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ पर हो हल्ला नहीं हो रहा, लेकिन साफ तौर से बीजेपी के नेताओं की मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद इस्तीफा सौंपे, क्योंकि देश में अभी तक किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इस्तीफा देने के बाद भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त ईडी के रिमांड में है, ईडी के लॉकअप में बंद है। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा साफ तौर से जो जितने भी दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो मांग रहे हैं ताकि दिल्ली के जो विकास काम है वो न रुके, और इसी को लेकर यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं दिल्ली के ये राजघाट पर जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, इनके नेतृत्व में जितने भी बीजेपी के सांसद हैं वो सभी मौजूद हैं, सांसद प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद हैं और नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, और सभी के हाथ में आप देख सकते हैं पोस्टर भी लेकर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो, हम ये और इस्तीफा दो, इस तरह के जो स्लोगन है लिखा हुआ साफ तौर से आपको दिख जाएगा, भ्रष्टाचार मिटाना यह संकल्प हमारा है। तो इस तरह के स्लोगन के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। बिल्कुल देखिए बीजेपी का ये हल्ला बोल जारी है। बने रहे केशव हमारे साथ, आईटीयू से सुरेश झा भी लगातार बने हुए हैं। सुरेश देखिए जिस तरह से विधायक गुलाब सिंह यादव पर भी ईडी की लगातार वहां पर घर पर रेड पड़ी है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी केजरीवाल के मुद्दे पर तो हमलावर हैं ही, लेकिन एक बार फिर से देखिए लगातार बयानों के दौर सामने आ रहे हैं और सौरभ भारद्वाज बोले कि हमारे चार बड़े नेता को झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया है। सच साबित होगी, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, गिरफ्तार हो चुके हैं, अब मेन बात है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये गोडसेवादी जिन्होंने गांधी की हत्या की आज गांधी के पास गए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, क्या दोबारा गोली मारेंगे गांधी को? इनसे पूछो, तुम तो गोडसे को ढूंढो वहां बैठने के लिए, तुम गांधी के पास कैसे पहुंच गए? तुम तो गांधी के विरोध में हो, चार पांच गोली और भी दाग दो। इसलिए भाजपा वाले बेशर्मी के उसके इंतहा तक पहुंच चुके हैं आज सारा दिन। तो देखिए किस तरह से केजरीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।